हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं यूपीपीसीएस या यूपीपीटी के लिए, क्योंकि दो यूपी के बड़े एग्ज़ाम्स हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो लोअर सबॉर्डिनेट है, उसमें भी इसके क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और फिर उसके बाद पीटी के आधार पर जो मेंस होंगे उसमें भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज कुछ हम लोग जो डिस्कस करेंगे, उत्तर प्रदेश के सेंसस या उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित जो क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे, उत्तर प्रदेश सेंसस या उत्तर प्रदेश जनगणना, और अभी जितने भी आंकड़े हैं वो सब कब के हैं, 2011 के बाद 2021 के आंकड़े आएंगे तो सभी के लिए नए आंकड़े होंगे। बट अभी जो है, जो भी आंकड़े हैं सेंसस के या जनगणना के, वो सारे आंकड़े 2011 के हैं। आप जानते हैं प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना होती है, सेंसस होता है। तो स्पेशली हम यूपी की अगर बात करें कि यूपी के कौन से डेटा जनगणना के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट डेटा की बात करें अगर हम, तो है कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन या कुल जनसंख्या, इससे संबंधित जो आंकड़ा है वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो ऐसे अगर आप इसको याद करें 1998, सबसे पहले तो आपने 1998 लिखा, उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4 और लास्ट में फिर से आ जाएगा 1। ये है उत्तर प्रदेश की जनगणना, 1998 पहला पार्ट, फिर 1, 2, 3, 4, 1। ठीक है, अब ये है कितनी अगर हम इसको संबोधित करके बोले तो 19 करोड़ 98 लाख। ठीक है, 98 लाख आपको दिख रहा है, ठीक, 12,341। ठीक, अगर बोलने में ये कहा जाए तो ये आंकड़ा है 19,98,12,341। ठीक, और ऐसे ही याद करने में अंकों में 1998, 1, 2, 3, 4 और 1। ठीक, अब ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये 2011 के आंकड़े के अनुसार है, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि 2001 से अगर हम देखें, 2001 से अगर हम बात करें 2001 से और 2011 के बीच, तो 2001 से 2011 के बीच जो है भारत की जो जनसंख्या, सॉरी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 3 करोड़ से अधिक बढ़ी, 3,36,00,000। ठीक है, तो अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका मतलब वर्तमान में हमारी जनसंख्या 23 करोड़ से ज़्यादा होगी, जो स्थिति है। ठीक, अब ये जो जनसंख्या है वो एक आंकड़ा ये होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, भारत की टोटल पॉपुलेशन या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, टोटल पॉपुलेशन या कुल जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक, तो अगर हम ये देखें हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, उसका कुल परसेंटेज ये जो है वो है 16.50%, यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% था। ठीक, और ये जो 2001 की अगर हम बात करें, तो 2001 में ये परसेंटेज जो है वो 16.16% था। ठीक है, इसका मतलब कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, ये बढ़ी हुई दिख रहा है आंकड़ा जो है। ठीक, और इसी जनसंख्या के आधार पर ये कहा जाता है, भारत की अगर बात की जाए तो इसी जनसंख्या के आधार पर कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश को जो है एक देश मान लें, एक कंट्री मान लें, तो आप सोचिए कि अगर हम विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में देखें तो चीन पहले नंबर पे है, यूएसए दूसरे नंबर पे है, सॉरी इंडिया दूसरे नंबर पे है,
ठीक है, इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है और यूएसए जो है वो तीसरे नंबर पे है, ठीक, इंडोनेशिया चौथे नंबर पे है। इंडोनेशिया जो है वो चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे पता है, अगर आप यूपी को एक कंट्री मान लें तो पांचवें नंबर पे यूपी आ जाएगा, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया के बाद यूपी की जनसंख्या इतनी अधिक है, ये विश्व के पांच टॉप कंट्रीज में शामिल हो सकता है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। और यही सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की समस्या है, और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को जो है वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत कैसे रोका जाए, ठीक है, इसके लिए जो है जल्दी ही कानून बनने वाला है, उसकी प्रक्रिया जो है वो चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें जनसंख्या से संबंधित और जनगणना से संबंधित कौन से आंकड़े आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो यूपी की टोटल पॉपुलेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेल पॉपुलेशन कितना परसेंट है और फीमेल पॉपुलेशन या महिला जनसंख्या कितनी परसेंट है। तो मेल पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 52.29% है, 52.29% है, और अगर हम महिला जनसंख्या की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 47.71% है, 71%, ठीक। तो ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा कि आप मोटे तौर पर 47% महिलाएं हैं और लगभग 53% जो है वो पुरुष हैं, ठीक। तो अब आप देखिए, अगर हम देखें तो ये जनसंख्या का एक बड़ा आंकड़ा था। अब जनसंख्या या जनगणना के जो भी आंकड़े आपके सामने आएंगे वो अधिकतम और न्यूनतम के आधार पर है, मैक्सिमम और मिनिमम पॉपुलेशन के आधार पर ये आंकड़े बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों, क्योंकि अक्सर ऐसे आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अगला, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों में अधिकतम जनसंख्या है, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मान लो ले लेते हैं, सपोज दैट, तो पहले नंबर पे जो है, पहले प्रयागराज, सॉरी इलाहाबाद था, अब इसको क्या बोला जाता है, प्रयागराज, ठीक। तो पहले नंबर पर प्रयागराज या इलाहाबाद है, ठीक है, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, मुरादाबाद, और तीसरे नंबर पे गाजियाबाद, गाजियाबाद, ठीक है। तो ये टॉप 3 है मैक्सिमम पॉपुलेशन के बेसिस पर। अब यहीं पर अगर हम मिनिमम देख लें, अधिकतम मिनिमम जनसंख्या या न्यूनतम जनसंख्या कितनी है, सॉरी कहां पर है, ठीक है, तो मिनिमम में महोबा पहले नंबर पर है, चित्रकूट, ये सब बुंदेलखंड के जिले हैं, चित्रकूट दूसरे नंबर पे है, और हमीरपुर, ये भी बुंदेलखंड का है, हमीरपुर तीसरे नंबर पे, ठीक। तो ये हो गया अधिकतम जनसंख्या। अगर अधिकतम जनसंख्या के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका ये आंसर होगा, अब अगर प्रयागराज ऑप्शन में नहीं है तो मुरादाबाद आपको ध्यान रखना है, महोबा ऑप्शन में नहीं तो चित्रकूट या ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाता है अधिकतम जनसंख्या कहाँ है, कभी ये पूछा जाता है निम्नलिखित जिलों में कहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है, तो उस रूप में भी आपको ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट ऐसा ही आंकड़ा है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, मैक्सिमम या सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ज्यादा होना अलग चीज है और 10 वर्ष में दशकीय आधार पर जो प्रतिशत वृद्धि है, अब ये किस में देखा जाता है, ये परसेंटेज में देखा जाता है, पिछली की तुलना में कितना परसेंट की वृद्धि हुई। तो
तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही है? अगर इसकी बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पर है गौतम बुद्ध नगर। वेस्टर्न यूपी चले जाएं, दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर। अब भाई ये गांव से शहरों की ओर पलायन का एक परिणाम है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो दिख रहा है गाजियाबाद, गाजियाबाद, ठीक। दूसरे नंबर पे गाजियाबाद जो है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ वाला डिस्ट्रिक्ट है। और तीसरे नंबर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और एक है श्रावस्ती जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अंतर्गत है, ठीक। अब अगर हम बात करें न्यूनतम या मिनिमम, यहीं पर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो जिले हैं वो कौन हैं, तो वो भी टॉप 3 यहीं पर हम लोग देख ले रहे हैं। तो इसमें अगर हम बच्चों बात करें, पहले नंबर पर है कानपुर नगर, कानपुर सिटी। हालांकि ये बिल्कुल अप्रत्याशित है, लेकिन फिर भी है ऐसा कि वहाँ से लोगों ने कहीं दूसरी जगह प्लान किया, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल सिटी कानपुर नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। दूसरे नंबर पर हमीरपुर, हमीरपुर, और तीसरे नंबर पर बागपत, ठीक है, बागपत पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये 3 जिले हैं जहाँ पर मिनिमम पॉपुलेशन जो पाई गई है, मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिख रही है, ठीक। एक आंकड़ा यहाँ पर जो मैक्सिमम जनसंख्या में है, वो महिला जनसंख्या के आधार पर भी पूछा जाता है। मिनिमम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा मैक्सिमम जो है, जो वुमेन पॉपुलेशन है या महिला जनसंख्या है, वो किस जिले में है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है पीसीएस में, तो पीटी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम या अधिकतम महिला जनसंख्या की जब बात आती है, तो जनरली जिसको नहीं पता होता है उसके दिमाग में आता है कि भाई जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट होगा, जहाँ पर साक्षरता ज़्यादा होगी, ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। सर्वाधिक महिला जनसंख्या पहले आजमगढ़ जौनपुर में हमेशा रही है, हालांकि पिछले जनगणना में जो है, जो रिपोर्ट आई, तो उसके आधार पर जो है प्रयागराज यहाँ पर आ गया संख्या के आधार पर। तो प्रयागराज के बाद, लेकिन अगर हम दूसरे नंबर पर देखें यहाँ पर, तो आजमगढ़ है और तीसरे नंबर पर जौनपुर है, जो ऑलरेडी पहले थे, आजमगढ़ और जौनपुर, आजमगढ़ और जौनपुर, ठीक। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम जनसंख्या, संख्या के आधार पर या उनकी ग्रोथ रेट के आधार पर। अब अगला जो आंकड़ा जो है वो जनघनत्व का है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, जन घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि कितने व्यक्ति या पर्सन जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, ठीक। कितने व्यक्ति या पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, उसके आधार पर। अब जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर इलाहाबाद की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जनघनत्व तो होगा। जनघनत्व तो वहां ज्यादा होगा जहां जमीन या क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। तो अब ऐसे जिले की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे ज्यादा जनघनत्व तो जो है वो गाजियाबाद में है। तो एक तरफ ये आंकड़ा मैक्सिमम का लिख लेते हैं, दूसरी तरफ मिनिमम का। तो पहले नंबर पर यहाँ पर जो है वो गाजियाबाद है, गाजियाबाद। दूसरे नंबर पर बच्चों यहाँ पर वाराणसी है, देखिए एक पश्चिम एक पूरब, ठीक है, वाराणसी, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर जो है वाराणसी है, और तीसरे नंबर पर कैपिटल हमारा जो लखनऊ है, वो पॉपुलेशन अधिक है, क्षेत्रफल कम है। अगर हम मिनिमम की बात करें कि न्यूनतम जनघनत्व जो है वो कहाँ है, तो ये सब जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश या तराई वाले क्षेत्र होंगे, जैसे ललितपुर पहले नंबर पर,
ललितपुर का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो सबसे कम है ललितपुर। उसके बाद सोनभद्र, सोनभद्र मिर्जापुर के पास, तो पहाड़ी राज्य है, पठारी राज्य है सोनभद्र। ठीक। तीसरे नंबर पे बुंदेलखंड का क्षेत्र है जहाँ सबसे कम जनघनत्व है, वो है हमीरपुर। हमीरपुर, ठीक है। तो ये हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी या जनघनत्व के आधार पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर जो है वो ये होगा। ठीक। अब बच्चों जो है, अगर हम जनसंख्या में अगला इम्पोर्टेंट आंकड़ा देखें, तो जो अभी आपने देखा कि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि दर, टोटल पॉपुलेशन, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ साथ जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें जो मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं और अर्बन पॉपुलेशन वाले, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो अब जो है वो अगर हम देखें कि मैक्सिमम या अधिकतम और एक तरफ मिनिमम, हम किस चीज़ को देखने जा रहे हैं? ग्रामीण जनसंख्या, रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है, हम इस पर आते हैं। तो मैक्सिमम जो ग्रामीण जनसंख्या है वो प्रयागराज में ही है जहाँ सबसे ज़्यादा है, यानी वहाँ की पॉपुलेशन का सर्वाधिक हिस्सा जो है गांव में रहता है, प्रयागराज है। दूसरे नंबर पे आजमगढ़, दूसरे नंबर पे आजमगढ़ है, और तीसरे नंबर पे जौनपुर, थर्ड नंबर पे जो है वो जौनपुर है। तो प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर। अगर हम मिनिमम रूरल पॉपुलेशन की बात करें, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, तो पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। दूसरे नंबर पे मिनिमम पॉपुलेशन जो ग्रामीण पॉपुलेशन है वो महोबा की, बुंदेलखंड का महोबा। और तीसरे नंबर पे जो है हमीरपुर, ये भी बुंदेलखंड का हमीरपुर है। ठीक। तो ये हो गया ग्रामीण जनसंख्या। अब इसी तरह से हम देखते हैं जो नगरीय जनसंख्या है वो मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ है। नगरीय जनसंख्या की ओर चलते हैं, अर्बन पॉपुलेशन की ओर। नगरीय जनसंख्या या अर्बन पॉपुलेशन, तो एक तरफ अधिकतम और दूसरी तरफ न्यूनतम। ठीक। तो अधिकतम में पहला जो है जो अधिकतम होगा, जो हम अगर शहरी जनसंख्या की बात करें या नगरी जनसंख्या की बात करें, तो वो है पहले नंबर पे गाजियाबाद। गाजियाबाद, अब आपने देखा था यहाँ इलाहाबाद या प्रयागराज था जब ग्रामीण जनसंख्या की बात की गई थी। ठीक है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है गाजियाबाद की, उसके बाद लखनऊ, लखनऊ है, और फिर तीसरे नंबर पे कानपुर सिटी है, कानपुर नगर, कानपुर शहर या कानपुर नगर। अगर हम न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें बच्चों, तो पहले नंबर पे श्रावस्ती है, पहले नंबर पे श्रावस्ती है, दूसरे नंबर पे चित्रकूट है, दूसरे नंबर पे चित्रकूट है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में, और तीसरे नंबर पे इलाहाबाद के पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कौसाम्बी। तो कौसाम्बी जो है वो तीसरे नंबर पे है। मिनिमम अगर हम बात करें जो अर्बन पॉपुलेशन है उसके बेसिस पर, ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है। अब अगर हम देखें बच्चों कि जो हमारी तो पॉपुलेशन है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम एससी और एसटी। ठीक है। यानी अधिकतम या मैक्सिमम एससी, अब मिनिमम नहीं पूछा जाता, मैक्सिमम वाला आंकड़ा पूछा जाता है, और एससी। तो शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब जनजाति। तो मैक्सिमम अगर हम एससी की बात करें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में मैक्सिमम एससी है, तो नंबर 1 सीतापुर,
सीतापुर, नंबर टू प्रयागराज। अधिकतम शेड्यूल कास्ट या एससी की बात करें तो नंबर टू प्रयागराज है और नंबर थ्री लखनऊ से आगे हरदोई, हरदोई। अधिकतम एससी पॉपुलेशन नंबर एक पे सीतापुर, नंबर दो प्रयागराज, नंबर तीन कौन है? हरदोई। ठीक है, आप इसी तरह अगर हम बच्चों बात करें एसटी पॉपुलेशन की, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की बात करें कि मैक्सिमम एसटी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो नंबर वन पे है सोनभद्र मिर्जापुर के पास, अभी आया था किसी और आंकड़े में भी, तो पहले नंबर पे सोनभद्र है, दूसरे नंबर पे बलिया है, बलिया है, और तीसरे नंबर पे देवरिया है, पूर्वांचल के दो जिले देवरिया। ठीक है, मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब्स के बेसिस पर अगर हम आंकड़े की बात करें तो अब जनगणना में जो अगला इंपॉर्टेंट डेटा है वो है लिटरेसी या साक्षरता, लिटरेसी या साक्षरता के आधार पर। तो बच्चों साक्षरता या लिटरेसी की अगर हम बात करें तो इसमें भी अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या? मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक, मैक्सिमम पहले नंबर पे जो सर्वाधिक साक्षर जिला है अगर हम उसकी बात करें, मतलब सबसे ज्यादा जहां पर साक्षरता है प्रतिशत के आधार पर, वो है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ये पहले नंबर पर है। मैक्सिमम लिटरेसी की अगर बात की जाए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले की बात की जाए, तो दूसरे नंबर पे कानपुर नगर है, कानपुर सिटी, कानपुर नगर या कानपुर सिटी। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर है। मैक्सिमम लिटरेसी की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम लिटरेसी के आधार पर ये दूसरे नंबर पर है। ठीक, तीसरे नंबर पर औरैया है, औरैया जो है वो तीसरे नंबर पर। अगर इसी तरह हम मिनिमम की बात करें, ठीक है, न्यूनतम की बात करें या मिनिमम की बात करें, तो बच्चों न्यूनतम या मिनिमम साक्षरता अगर हम देखें, जो लिटरेसी है वो न्यूनतम कहां पर है, तो नंबर वन श्रावस्ती, श्रावस्ती जो है वो नंबर वन है। ठीक है, अगर हम देखें श्रावस्ती के बाद कौन होगा, तो दूसरे नंबर पर है बहराइच, बहराइच, और तीसरे नंबर पर है बलरामपुर, बलरामपुर। ठीक, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, ये मिनिमम लिटरेसी वाले तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक, अब यहां पे एक चीज और आपको मैं बता दूं कि जब कोई भी डेटा आपसे मैक्सिमम वाला पूछा जाता है तो ये घटते क्रम में होता है, यानी अवरोही क्रम में, हिंदी में लिखा जाता है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम। जब कोई भी आंकड़ा मैक्सिमम वाला पूछा जाता है, जब कोई मिनिमम वाला आंकड़ा पूछा जाता है, तो ये कौन सा क्रम होता है? ये होता है आरोही क्रम, एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। तो कभी अगर ये पूछा जाए कि साक्षरता के आधार पर निम्नलिखित जिलों को अवरोही क्रम में बताएं या निम्नलिखित डिस्ट्रिक्ट्स को आरोही क्रम में बताएं, तो अवरोही का मतलब हुआ घटते हुए क्रम में बताना है। ठीक है, घटते हुए क्रम मतलब सबसे ज्यादा लिटरेसी किसकी होगी? सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर की होगी। उसके नीचे कौन होगा? उसके नीचे होगा कानपुर, उसके नीचे औरैया, उसके नीचे कोई और होगा। ठीक है, सेम ऐसी। अब यहां पर हम बात करें कि आरोही क्रम की, हम जब बात कर रहे हैं कि भाई सबसे कम साक्षरता कहाँ है, तो श्रावस्ती जो है उसकी सबसे कम होगी। ठीक है, लेकिन अब बहराइच किससे कम नहीं होगी, बहराइच किससे क्या होगी? ज्यादा होगी। बलरामपुर की इससे ज्यादा होगी। तो यहां पर हम बढ़ते हुए क्रम की ओर चल रहे हैं और यहां पर हम घटते हुए क्रम की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं
कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, अगर इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इन राज्यों को, और रीजनिंग में तो अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं, तो इन राज्यों को अवरोही क्रम में बताइए, इन नदियों को अवरोही क्रम में बताइए, ठीक है, इन जिलों को अवरोही क्रम में बताइए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अवरोही क्रम या आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किस परिप्रेक्ष्य में रखना है, ठीक है। अब साक्षरता में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, महिला साक्षरता, वुमेन लिटरेसी। वुमेन लिटरेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन पूर्ण साक्षरता के बराबर ही इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब महिला साक्षरता में भी दो बातें आ गई, मैक्सिमम और मिनिमम, कि महिला साक्षरता जो है वो सर्वाधिक कौन से जिलों में है और न्यूनतम कौन से जिलों में है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो कानपुर नगर है, कानपुर सिटी या कानपुर नगर, यहाँ पर सर्वाधिक महिला साक्षरता है। दूसरे नंबर पर लखनऊ, लखनऊ में दूसरे नंबर पर है महिला साक्षरता सर्वाधिक है, और तीसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें कि न्यूनतम महिला साक्षरता जो है वो कहाँ पर है, महिलाओं की जो न्यूनतम साक्षरता है वो कहाँ पर है, तो न्यूनतम महिला साक्षरता श्रावस्ती में है, श्रावस्ती, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो न्यूनतम महिला साक्षरता दिख रही है वो बलरामपुर में, और फिर बहराइच, बलरामपुर और उसके बाद बहराइच, ठीक है। तो ये वीमेन लिटरेसी या महिला, क्योंकि आप देखते हैं कि महिला साक्षरता को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम है तो उसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है ये मैक्सिमम और मिनिमम का ये आंकड़ा जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब जो अगला जनगणना से रिलेटेड डेटा, इसी तरह का अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उसमें जो डेटा है वो है लिंगानुपात या सेक्स रेशियो, ठीक है, यानी इसको हम कहें तो स्त्री पुरुष अनुपात, ठीक है, स्त्री पुरुष या पुरुष स्त्री अनुपात जो है, या रेशियो की बात करते हैं तो इसको जो है लिंगा अनुपात भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लिंगा अनुपात या सेक्स रेशियो जो है, स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। अब जैसे आप सब जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा केरल में है, ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो उत्तर प्रदेश में जो है अगर पूरे उत्तर प्रदेश का होल देखा जाए तो 898, 898, ठीक है, 898 2001 में था, अभी कितना हो गया है, अब ये जो है ये 2001 में था, ठीक है, 2001 में था, अब ये कितना हो गया है 898 से, अब ये हो गया है 912, 912 क्या हो गया प्रति हजार, मतलब 1,000 पुरुषों पर पहले 898 था, अभी 2011 में कितना हो गया ये, अब 912 हो गया, मतलब प्रति 1,000 पुरुषों पर अभी संख्या महिलाओं की 912 है, मतलब अभी भी पुरुषों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं अधिक है महिलाओं की तुलना में, ठीक है। और इसलिए ऐसे कुछ आंकड़े जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब ये जो अनुपात है वो मैक्सिमम और मिनिमम के आधार पर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाले जो है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो आप सोचिए जो डिस्ट्रिक्ट्स बहुत पिछड़े माने जाते हैं, जैसे पूर्वांचल का जौनपुर, वहां पर लिंगानुपात सर्वाधिक है। उसके बाद फिर अब आपको लगेगा अरे दूसरा उसके बगल और पिछड़ा है कौन, आजमगढ़, आजमगढ़ में महिलाओं की संख्या अधिक है, ठीक है। और फिर उसके बाद पूर्वांचल का ही अगला कौन सा जिला हो गया, देवरिया। तो ये
वो टॉप थ्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 1, 2 और 3। पहला जौनपुर, दूसरा आजमगढ़ और तीसरा देवरिया, जहां पर स्त्रियों का अनुपात पुरुषों की तुलना में मतलब अधिक है, जो हमारा जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो अधिक है। और जिलों की अपेक्षा यहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जौनपुर में लिटरेसी बहुत बढ़िया है, आजमगढ़ में लिटरेसी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग जो है स्त्रियों के प्रति बहुत सम्मान करते हैं, यहाँ पर जो है वो भ्रूण हत्या नहीं होती, यहाँ पर जो है वो समाज में स्त्रियों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये अनुपात में अंतर का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर जो यहाँ से पुरुषों का बाहर की ओर पलायन अधिक हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कारण है। ठीक है, अब अगर हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात की, तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है गौतम बुद्ध नगर में, अब इंडस्ट्रियल सिटी है, गौतम बुद्ध नगर एक इंडस्ट्रियल सिटी है, और वहां पर आप समझ सकते हैं कि कौन सी मेल पॉपुलेशन ज्यादा होगी या फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पर बागपत, बागपत है, और तीसरे नंबर पर कानपुर नगर, कानपुर सिटी या कानपुर नगर। ठीक, तो ये हमारे अगर हम तीन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो ये यहाँ पर जो है मिनिमम लिंगा अनुपात है। ठीक है, यहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है, और इसका कारण है कि ये इंडस्ट्रियल सिटी है और यहाँ पर जो है पुरुषों की संख्या ऑब्वियस सी बात है कि महिलाओं से अधिक होगी, क्योंकि बहुत जगह से माइग्रेट होकर बहुत सारे मेल पॉपुलेशन में जो उनकी बढ़ी है संख्या, उसका वही कारक है। ठीक है, तो ये जो है आपसे जो पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा है उसके क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसी तरह से अभी अगर हम बात करें कि यूपी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे यूपी की टोटल पॉपुलेशन मैंने आपको बताई, रूरल पॉपुलेशन बताई, अर्बन पॉपुलेशन बताई, ठीक है, मेल पॉपुलेशन बताई, फीमेल पॉपुलेशन बताई। ठीक है, अब उसी के क्रम में अगर हम बात करें तो एक पॉइंट यूपी की पॉपुलेशन से रिलेटेड है, 2000 यूपी की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, यानी पूरे दशक में 10 की जनसंख्या पॉपुलेशन या जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, ये कितनी रही है, तो ये 20.2% रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जनसंख्या तो बड़ी है लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, अदरवाइज तो हमारी जनसंख्या 25 करोड़ 2011 में ही क्रॉस कर गई होती। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमारी जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 25% के अराउंड थी, जो आप कितनी हो गई 20 पॉइंट, यानी 2011 में ये 20.2% जो है वो रह गई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2001 की तुलना में 2011 में क्या हुई, बढ़ गई है, लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए, जो परसेंटेज में ग्रोथ रेट है, वो कम हुआ है, वो बढ़ा नहीं है। और इस बार भी ऐसा आएगा, जब 2021 का जब आंकड़ा आएगा तो आप देखेंगे कि ये रेट कम होगा, लेकिन पॉपुलेशन अब उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन 19 करोड़ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम बात करें जनघनत्व, यूपी का पॉपुलेशन डेंसिटी, यूपी का पॉपुलेशन डेंसिटी या जनघनत्व, तो ये है, अब आप जब आपको मैंने बताया पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, अभी कितना है ये 829, क्योंकि आप देखिए क्षेत्रफल तो वही है ना, क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ा ना, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है लगातार। अब ये देखिए आप कि अभी आप देखिए जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, इतना ज्यादा कम हो गई, 5% के लगभग कम हो गई, अगर हम 2001 से 2011 की तुलना करें, इधर हम 2001 की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, लेकिन अगर हम जनघनत्व की बात करें तो ये 690 था 2001 में, 690,
690 से बढ़कर क्या हो गया ये 829, 829 हो गया है। ठीक है, अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना है जो हमारी जनसंख्या घनत्व के मामले में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल है वो तो वही है, लेकिन यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही, संसाधन कम है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अगर हम लिटरेसी की बात करें, साक्षरता दर की बात करें, लिटरेसी या साक्षरता यूपी के बारे में अगर हम देखें यहाँ पर, तो यूपी की जो साक्षरता दर है वो अब कितनी हो गई है 67.7%। ये भी अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि 2001 में साक्षरता दर कितनी थी 56.27%। तो लगभग 10% लिटरेसी रेट बढ़ गई थी, कब? 2011 में। अब ये तो अराउंड 75% क्रॉस कर गया होगा। अब ये बात अलग है कि वो साक्षरता की परिभाषा बड़ी अलग है, 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को देख पढ़ सकता है। ठीक है, समझ सके या नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, तो वो साक्षरता कौन सी है, बट ये है कि ओवरऑल सही है, अच्छी बात है, 67.7% जो है हमारी लिटरेसी हो गई है। ठीक है, और जो है जो पहले बहुत कम थी। ठीक, और अगर हम यहाँ पर जो है साक्षरता में एक और आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं आपसे यूपी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा लास्ट में। अगर हम यूपी की बच्चों बात करें लिटरेसी के बारे में, तो मैंने जैसा कि बताया कि आप देखिए 2001 से 2001 से लेकर 2011, ठीक, तो आप देख रहे हैं कि टोटल लिटरेसी जो है पहले कितनी थी 56.27% थी, जो अब कितनी हो गई 67.70%। बहुत बड़ा चेंज आया। ठीक, अगर हम इस साक्षरता में मेल और फीमेल की स्थिति देखें, ठीक, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल की स्थिति देखें, तो मेल लिटरेसी की अगर हम बात करें और इसको अगर हम देखें 2001 की स्थिति देखें और 2011 की स्थिति देखें, 2001 में मेल लिटरेसी जो थी, पुरुष साक्षरता जो थी, वो 68.82% यानी बहुत बढ़िया थी, और 2011 में 77.3% हो गई। ठीक, अगर हम मेल लिटरेसी की बात करें तो पुरुष साक्षरता की बहुत अच्छी स्थिति है और पहले भी थी, लेकिन अगर हम इसमें देखें महिला साक्षरता, तो आप सोचिए 2001 में महिला साक्षरता मात्र 42.22% थी, जो 2011 में भी बहुत आज ज्यादा नहीं हो गई अगर हम एवरेज की बात करें तो, क्योंकि 57.2% लिटरेसी हुई है। तो आप देखिए बच्चों, अभी भी हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष के बीच जो साक्षरता या शिक्षा के आधार पर जो भेदभाव है वो कितना ज्यादा है, ये आप समझ सकते हैं। तो हमारी साक्षरता में जो ये आंकड़ा है, ये साक्षरता का आंकड़ा 90% हो सकता है, 85% हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या बदलना होगा, हमें जो ये सोच है बदलना होगा कि जय, और ये धीरे धीरे बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन और तेजी से ये परिवर्तन होना चाहिए कि जितना मेल लिटरेसी जरूरी है उतना ही फीमेल लिटरेसी या महिला साक्षरता भी जरूरी है। और हमारे साक्षर अधिक ना होने का एक बहुत बड़ा फैक्टर, महिलाओं को हम शिक्षा में बराबरी का दर्जा नहीं देते, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। हालांकि विगत वर्षों से अगर देखा जाए, जैसे इस बार रिपोर्ट और अच्छी आएगी, 2021 में आप देखेंगे कि ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, और महिला साक्षरता का भी परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बच्चों, ये जनसंख्या के कुछ आंकड़े थे जो आपके सामने मैंने रखे, और आशा करते हैं कि आप जो भी यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम देंगे उसमें इन आंकड़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो, अच्छे से आप तैयार करते रहिए।
अब तो आप सबके लिए गुड न्यूज आ ही गई है, 15 अगस्त के बाद आप फुल फ्लेज अपने ऑफलाइन का सिस्टम से जुड़ोगे। बट ये है कि आपको एग्जाम्स के इस दौर में ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच के अंतर से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको जो जैसे मिल रहा है वैसे आपको कवर करते रहना है और अपने एग्जाम्स में अच्छा करना है। ओके बेटा, थैंक यू बच्चों।